नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट एक्सप्लेनर। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप पीएमजी दिशा प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान के माध्यम से आप डिजिटल साक्षर होना चाहते हैं तो आप कहां जाएं या कैसे डिजिटल साक्षर होंगे। इसमें दो प्रोसेस होते हैं, एक तो डायरेक्ट कैंडिडेट और एक ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से। तो पहले मैं आपको डायरेक्ट कैंडिडेट जो भी डायरेक्ट एडमिशन कर सकते हैं आप पीएमजी दिशा की पोर्टल से उसके बारे में बताऊंगा। फिर मैं आपको जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं और ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से वहां से कैसे एडमिशन होगा आपका उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आप पीएमजी दिशा प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान पीएमजी दिशा में अपना डिजिटल साक्षर होना चाहते हैं या सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन के कौन से प्रोसेस हैं और कैसे रजिस्ट्रेशन आप सेल्फ में करेंगे या आप ट्रेनिंग सेंटर पर जा करके कैसे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तो इस विषय में आपको आज मैं बताऊंगा। दोस्तों आपको सबसे पहले पीएमजी दिशा की वेबसाइट पर जाना है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है pmgdisha.in, जिसे प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान .in पर जाना है आपको। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। दोस्तों सर्वर में थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि मैं पीएमजी दिशा की वेबसाइट पोर्टल पर पहुंच चुका हूँ और आप देख सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसको सीएससी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मैनेजमेंट के थ्रू कराया जा रहा है, इसमें आपको यहाँ पर प्रशिक्षण करने के लिए या डिजिटल साक्षर होने के लिए आपको दो है। एक देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है डायरेक्ट कैंडिडेट क्लिक हियर, जो भी डायरेक्ट कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर फिलहाल अभी डायरेक्ट कैंडिडेट जो हैं उन लोगों का एडमिशन जो है उसका वेबसाइट जो है बंद कर दिया जा चुका है। जो भी डायरेक्ट कैंडिडेट हैं उनका नहीं हो पा रहा है, हमने भी चेक किया है, मैं आपको भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप डायरेक्ट कैंडिडेट पर क्लिक करेंगे, जैसे आप डायरेक्ट कैंडिडेट पर क्लिक करेंगे तो आपको लॉग इन वाले पेज पर जा करके रिडायरेक्ट कर देगा। जब भी सॉरी सर जी बना जा रही है, इसमें डीजे की कुछ आवाज, जैसे भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पीएमजी दिशा की जो वेबसाइट है ऑफिसर उस पर रिडायरेक्ट कर देगा और आपको यहाँ वो लॉग इन के पेज पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको लॉग इन पर तो आप पहले से रजिस्टर तो है नहीं, जो आपको रजिस्टर लॉग इन करना है तो यहाँ पर आपको रजिस्टर वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो खुल के आएगा आपके सामने। तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर जो भी आधार में है, इसमें क्या पात्रता है, जो इसमें कौन कौन से आदमी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या किसके लिए है, इसमें 14 से 60 साल के ऊपर के जो भी आदमी हैं, 14 और 60 के बीच के ही आदमी इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जिनके पास आधार कार्ड है वो, तो आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर UID नंबर डालना है और आपको आधार में जैसे कि आपकी जो नाम की स्पेलिंग है वो आपको यहाँ पर अपना आधार में जैसे नाम है वैसे ही आपको यहाँ पर फिल करना है। संजय पासवान, आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है मेल या फीमेल और आपको यहाँ पर अपनी DOB सेलेक्ट करना है, जो भी आपके आधार कार्ड पे है आपको वही यहाँ पर फिल करना है, नहीं तो ये एरर कर देगा। अभी हमें यहाँ पर अपना मंथ सेलेक्ट कर लेना है, और आपको यहाँ पर आई एग्री एंड अबव कंसेंट पर क्लिक कर देना है और ऐड वाले यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। प्लीज यहाँ पर हमारा आधार नंबर जो है गलत पड़ा, सॉरी सर। और आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दो चीज मांगेगा, क्योंकि पहले आधार की जो OTP थी उसके माध्यम से हो जा रहा था, अभी वो सिस्टम बंद हो चुका है फिलहाल, अभी डायरेक्ट कैंडिडेट को तो एडमिशन हो ही नहीं रहा है।
लेकिन ऐसे अगर कभी भविष्य में या फ्यूचर में अभी कभी अपडेट आता है, एडमिशन होता है, तो यहाँ पर आपको स्कैन या फिंगरप्रिंट पर क्लिक करना है या आपको आईरिस पर क्लिक करना है। तो ज़्यादातर फिंगरप्रिंट्स के ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फिंगरप्रिंट की डिवाइसेस बहुत सारे सीसी सेंटर पर होते हैं। ये आपको नए पेज पर रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ देख लीजिए डोमेन नेम मिसमैच, यानी कि आपका जो डोमेन नेम है वो इस समय कुछ इरर है इसमें, इसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है जो भी डायरेक्ट कैंडिडेट हैं। तो आपको सिंपली आपको यहां से नहीं हो पा रहा है, तो आपको इस पोर्टल से बैक में आना है और आपको फिर से पीएमजी दिशा की पोर्टल जो है उस पर लॉग इन करना है, सॉरी सर मतलब जाना है आपको। जैसे पीएमजी दिशा डॉट इन पर आप फिर आएंगे, सर्च करने में अभी आप देख लीजिए, जो आदमी पहले से रजिस्टर ट्रेनिंग ले चुके हैं या उनको डिजिटल साक्षर हो चुके हैं वो तो यहाँ से लॉगिन करेंगे, लेकिन जो आदमी नहीं है उनके लिए आपको यहाँ पर लॉगिन नहीं करना है, क्योंकि आप तो रजिस्टर है नहीं। आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर सर्च ट्रेनिंग सेंटर पर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर सर्च करना है जो आपके नियरेस्ट हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना स्टेट चूज कर लेना है और यहाँ पर आपको अपना नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट, अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसको चूज करना है। जैसे मैं अपना जिला चूज कर लिया, अपना प्रदेश चयन कर लेना है, फिर यहाँ पर अपना जो तहसील है या सब डिस्ट्रिक्ट है चूज कर लेना है। आपके ब्लॉक में या आपके नियरेस्ट सिटी में जितने भी ट्रेनिंग सेंटर हैं उन सब का यहाँ पर प्रोफाइल या उनके बारे में उनका जो एड्रेस है यहाँ पर डिस्प्ले या यहाँ पर दिखाई देगा आपको। यहाँ पर आपको अगर अपना सेंटर सर्च करना है तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। बाई चांस आपको ऐसे एक करने में सर दिक्कत होगी तो आप यहाँ पर कंट्रोल एफ करके फाइंड कर लीजिए अपना नियरेस्ट, जैसे हमारा नियरेस्ट हमारा जैसे जो सिटीज एरिया के हैं उनका अपना अपने सिटी को सर्च करना है। जैसे मैं अभी रूरल एरिया से हूँ, ग्रामीण एरिया से, तो अपने ग्राम सभा का नाम सर्च करता हूँ, जैसे हमने मधवापुर का नाम सर्च किया तो हमारे पास एक चयन होकर के आ गया और यहाँ पर लिखा हुआ है संजय पासवान, पश्चिम कुट्टी पोस्ट मधवापुर ब्लॉक मीनपुरा डिस्ट्रिक्ट बहराइच यूपी पिन कोड, यानी कि इस एड्रेस पर एक सेंटर चल रहा है, हमारे जो नियरेस्ट सेंटर है वहाँ पर एक कम डिजिटल साक्षर जो है ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है, पीएमजी दिशा का एक सेंटर चल रहा है। यहाँ पर हमें इन सब के बारे में देख लेना है। ये देखिए ये इनका यहाँ के जो केंद्र प्रभारी हैं, जो सेंटर संचालक हैं उनका नाम दिया गया है और यहाँ पर हमारा एड्रेस है। अरे पंचायत, ये पंचायत है और ये इस सेंटर का एड्रेस है जहाँ पर ये चलाया जा रहा है। आपको इस एड्रेस पे जाना है, मतलब आपको जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, आपको अपना एरिया का या अपनी सिटी के जो भी हैं वहाँ पर आप अपना जाएंगे और अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए वहाँ के जो केंद्र प्रभारी या सेंटर मैनेजर हैं उनसे कहेंगे आप कि हमारा हमको डिजिटल साक्षर होना है या डिजिटल साक्षर की पीएमजी दिशा की जो स्कीम है उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे और वहां से आपको वो आपको 10 दिन का ट्रेनिंग सेंटर का जो ट्रेनिंग की जो प्रोसेस है वो आपको ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग देने के बाद में आपको आपको एग्जाम करवाएंगे, डिजिटल साक्षर करेंगे। अगर आप जो ट्रेनिंग से क्वालिफाइड हैं तो आप उनको फीडबैक कैसे दे सकते हैं, आप यहाँ पर कितने लड़कों को इन्होंने कितने आदमियों को इन्होंने डिजिटल साक्षर किया वो भी दिखा दिया है। ओके दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपको नोटिफिकेशंस एंड अदर अपडेट आपको लेना है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब करेंगे अगर जो सारी नोटिफिकेशन आपको लेना है तो यहाँ पर आपको बेल के आइकन पर क्लिक करके आप